तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल में। आज 11 मार्च 2019 पेश हैं आज के मुख्य समाचार, मुख्य हेडलाइंस। दोस्तों, आज से लागू हो जाएंगे यह कुछ नियम जो आपकी ज़िंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना। ये जो लागू होने वाले हैं ये आपके बहुत काम आएंगे। खबरों को अंत तक देखें, हो सकता है अगर आपने ये खबरों को ध्यान से नहीं सुना तो आप किसी सरकारी लाभ से वंचित रह जाएं। वहीं आज की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा 2019 के लिए चुनावों की लिस्ट जारी कर दी गई है। जानेंगे लोकसभा 2019 के चुनाव के मुख्य खबरों के बारे में भी, इन खबरों को, ताज़ा हेडलाइंस को जानेंगे। उससे पहले आप सब लोगों से मेरी एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की ओर। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर चुनाव आयोग ने जारी की लिस्ट। 7 चरणों में होंगे चुनाव, नतीजे 23 मई को। जी हाँ दोस्तों, पहले चरण के चुनाव 11 अप्रैल को 20 राज्यों में 91 सीटों पर होंगे। वहीं दूसरे चरण के चुनाव 18 अप्रैल को 13 राज्यों में 97 सीटों पर होंगे। तीसरे चरण के चुनाव 23 अप्रैल, चौथे चरण के चुनाव 29 अप्रैल को 9 राज्यों में 71 सीटों पर होंगे। वहीं पांचवें चरण के चुनाव 6 मई को 7 राज्यों में 51 सीटों पर होंगे। वहीं छठे चरण के चुनाव दोस्तों 12 मई को 7 राज्यों में 59 सीटों पर होंगे। और आखिरी और सातवां चरण के चुनाव 19 मई को 8 राज्यों में 59 सीटों पर होंगे। वहीं दोस्तों, जो दूसरी खबर निकल के आ रही है, नौकरी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, नौकरी बदलने पर खुद ही ट्रांसफर हो जाएगा आपका ईपीएफ। जाने कब से लागू होगा ये नया नियम ईपीएफओ। फिलहाल जॉब बदलने पर ईपीएफ ट्रांसफर को ऑटोमेटिक करने के लिए पायलट आधार पर परीक्षण कर रहा है। अगले वित्त वर्ष ये प्रक्रिया ऑटोमेटेड होने जा रही है, यह जानकारी श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने दी। वहीं जो दोस्तों हमारी अगली खबर निकल के आ रही है, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, पेट्रोल डीजल के दामों में चुनाव तक ज़्यादा बढ़ोतरी के आसार नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां फिलहाल रोजाना बढ़ोतरी से बच रही हैं और सरकार भी चुनाव से पहले तेल को लेकर कोई विवाद नहीं चाहती। तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर रोजाना पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी करती हैं, लेकिन 2019 में 1 जनवरी से अब तक 12 मौके ऐसे आए जब कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी नहीं की। डीजल के मामले में 12 बार ऐसा हुआ। वहीं जो अगली खबर निकल के आ रही है, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से शहीद सैनिकों की पत्नी को सरकारी नौकरी और बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेना और अर्धसैनिक बल में प्रदेश के जवानों के लिए घोषणा की। ड्यूटी के दौरान जख्मी जवान की मेडिकली रिटायर होने पर भी राज्य सरकार देगी नौकरी। वहीं दोस्तों, जो हमारी अगली खबर निकल के आ रही है ये है दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ नाम दर्ज। जी हाँ दोस्तों, शनिवार को जापान की 116 वर्ष की बुजुर्ग महिला को दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र वाली जीवित महिला का दर्जा मिला। बोर्ड गेम ओथेलो खेलने की शौकीन केन तनाका को नर्सिंग होम में एक समारोह में सम्मानित किया गया। वह जापान के दक्षिण पश्चिम में फुकुओका शहर में रहती हैं। जश्न के दौरान महापौर और उनके परिवार के लोग मौजूद थे। वहीं दोस्तों, हमारी अगली खबर है स्पोर्ट्स से। भारतीय बल्लेबाजों ने बीते 15 महीनों में 19 वनडे शतक लगाए हैं, इनमें से आधे विराट के नाम। जी हां दोस्तों, विराट ने जनवरी 2018 से अब तक 9 शतक लगाए, सिर्फ एक को छोड़कर सभी वनडे में टीम इंडिया जीती। सचिन तेंदुलकर के वनडे शतक से महज 8 शतक दूर है विराट कोहली। वहीं हमारी अगली खबर निकल के आ रही है, नौकरियां पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए। जी हां दोस्तों, इंडियन नेवी में एक बार फिर नौकरियां निकली हैं जिनके लिए 10वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकता है। आवेदन प्रक्रिया 2 मार्च से शुरू हो चुकी है और 15 मार्च तक आवेदन किए जाएंगे। वहीं जो हमारी अगली खबर निकल के आ रही है, फेसबुक यूजर्स के लिए कम रोशनी में आंखों को तकलीफ से बचाएगा फेसबुक का डार्क मोड। फेसबुक के मैसेंजर ऐप में डार्क मोड फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है। यह फीचर अंधेरे या कम रोशनी में आंखों को फ़ोन की ब्लू लाइट से बचाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा फेसबुक चलाते हैं तो अपनी फेसबुक को अपडेट कर लें और डार्क मोड एक्टिवेट कर लें। वहीं जो अगली खबर निकल के आ रही है,
1 अप्रैल से जीएसटी में होंगे ये महत्वपूर्ण बदलाव। जानिए आगे व्यापार पर क्या पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी में पंजीकरण से छूट के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा बढ़ाकर 40 लाख करने के निर्णय को गुरुवार को अधिसूचित किया। इसके तहत यह छूट 1 अप्रैल से लागू होगी। इससे छोटे एवं मझोले उद्यमों को लाभ होगा। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली इकाइयों को एक मुक्त कर कंपोजिशन योजना भी 1 अप्रैल से लागू होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर। अब 75 साल की उम्र तक अदा कर सकेंगे होम लोन, कंपनी ने शुरू की सुविधा। जी हां दोस्तों, होम लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी, और इसके साथ ही किस्त जमा न करने पर पैसा बीमा कंपनी देगी। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड LIC के स्वामित्व वाली कंपनी LIC हाउसिंग फाइनेंस ने इस सुविधा को शुरू किया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर। जरूरत के मुताबिक ले सकेंगे गैस सिलेंडर। इंडियन गैस ने लॉन्च किए 5 किलो के, 19 किलो के, 47.5 किलो के और 42.5 किलो के सिलेंडर। जी हां दोस्तों, अब आप अपनी सुविधा के मुताबिक ले सकेंगे गैस सिलेंडर। तो दोस्तों आज की मुख्य खबरों में बस इतना ही। तो मिलते हैं और ऐसी ही मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।